वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज है भाई मंडे, मंडे के दिन हम करने वाले जोमैटो। और आज अगर मुझे डिनाई करना होगा तो एक ही करूँगा, उससे ज़्यादा मैं डिनाई नहीं करने वाला, बाकी ऑर्डर सब एक्सेप्ट करूँगा। और पोर्टर में करने का इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि भाई अगर एक ही ऑर्डर हमने ले लिया बड़ा ऑर्डर तो दूर तो हम चले जाते, फिर वहाँ से कोई भी हमें रिटर्न का पार्सल मिलता ही नहीं है, तो हमें खाली हाथ वापस अपने जोन में आना पड़ता है। और अगर छोटे छोटे ऑर्डर मिले तो भी ठीक है, पर छोटे छोटे जो ऑर्डर होते हैं वही और कोई उठा लेता है। बंदे यहाँ पर भाई छोटे ऑर्डर को भी नहीं छोड़ता है। और पोर्टर में बस यही है कि एक ऑर्डर सब पे बजेगा, जिसने पहले पिकअप कर लिया वो उसका, तो मतलब वेस्ट ही है। मतलब जिसने पिकअप कर लिया ठीक है, जिसने पिकअप नहीं किया वो बस मूवी देखता रहेगा। और जोमैटो में ऐसा नहीं है भाई, जोमैटो में सबको अलग अलग ऑर्डर मिलता है, कोई किसी का ऑर्डर नहीं ले सकता। बट हाँ, मजबूरी है तो हम डिनाई करते हैं और दूसरे के पास चला जाता है। और अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है तो हम अपना ऑर्डर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस यही दो रीज़न है कि हम जोमैटो में ऑर्डर किसी और को दे सकते हैं, पर पोर्टर में ऐसा नहीं है भाई। पोर्टर में जिसका पहले हाथ लग गया भाई वो ऑर्डर उसी का ही है, तो इसलिए आज हम जोमैटो करेंगे। और आज क्या पूरे हफ्ते ही जोमैटो करने वाले हैं, और इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी कुछ दिन से, क्योंकि पोर्टर की भी मैं वीडियो बना रहा था, बट एक एक पार्सल एक दिन में मिल रहा था कर रहा था, तो उसमें कोई फ़ायदा था नहीं दिखाने का, अर्निंग का, तो इसलिए मैंने कोई भी डाला ही नहीं। तो फिलहाल अब देखते हैं, पूरे हफ्ते जोमैटो करेंगे तो पूरे हफ्ते वीडियो आती रहेगी, बैक टू बैक वीडियो आती रहेगी। जो चैनल में नया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी कर देना, आपका हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो मिलता हूँ मैं आप सभी को थोड़े ही देर में अपने पहले ऑर्डर के साथ, पे 10 पॉच। तो भाई अपना पहला ऑर्डर जो था वो प्रेम दी हट्टी से आया था, वो मैंने पिकअप कर लिया है। और इसको भाई ले गए, मुझे जाना है सुभाष नगर, देख रहे भैया सुभाष नगर लेके जाना है, तो इसको चलते हैं ड्रॉप करने। और अभी जो हुआ फिलहाल ये हुआ कि मैं घर से निकला घर से निकल के मैं गया पेट्रोल पम्प पेट्रोल डलवाने के लिए। वहाँ पे भाई ये सीन हो गया कि पेट्रोल डलवाने के बाद मैं हवा डलवाने गया उससे टायर में पीछे, तो भाई टायर में जो हवा भरता ना उसने बोला कि भाई पीछे तो कील घुसी हुई है। मैंने बोला ये क्या कील घुसी हुई है, मैंने भाई थोड़ी सी आगे करी गाड़ी और फिर जब मैंने देखा ना पीछे की हाँ कील घुसी हुई है, मैंने जैसे ही कील खींची भाई साहब वैसे सारी हवा घुस हो गई इसकी मैंने बोला यार ये तो काम शुरू करने से पहले ही नुकसान हो गया यहाँ पे। तो फिर मैंने पेंचर लगवाया उसमें, ट्यूबलेस टायर मतलब जो था उसमें कम मतलब पेंचर होता ना तो इतना खर्चा नहीं आता, जिस हिसाब से कील घुसी हुई थी। और मैंने उस भाई पूछा, मैंने ट्यूबलेस टायर उसमें फ़र्क होता ना, बोला हाँ अगर बोला था अगर ये वाला टायर ट्यूब वाला टायर होता ना तो पूरी ट्यूब खराब कर देता ये, और पूरे 350 रुपये लग जाता भाई इस टायर को ठीक कराने में अगर ट्यूब वाला टायर होता तो। मैंने फिर ठीक है भाई ट्यूबलेस टायर में अगर पेंचर आता है तो कम ही खर्चा आता है, तो ये फायदा है बस ट्यूबलेस टायर का। तो भाई नुकसान के साथ हमारी शुरुआत हुई है। तो पहले मैं सुबह सोच रहा था कि भाई पोर्टर कर लूँ, तो अगर मैं पोर्टर कर रहा होता, अगर मैं कोई ऑर्डर लेकर चला जाता भाई दूर कहीं पोर्टर का पार्सल लेकर, तब तो बड़ा गंदा फंसता भाई मैं वहाँ पर अगर पेंचर होता ना भाई तो पूरा मुझे गाड़ी घसीट के लानी पड़ती अपने यहाँ तक, मेरी तो भैया हालत ही ख़राब हो जाती पूरी तरह से, मैं कहाँ जाता फिर बीच रोड में चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है, वैसे तो अच्छा हुआ मैंने जोमैटो में आकर काम शुरू कर दिया तो ये अच्छी बात है, बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। वैसे लगवा तो दिया मैंने पंचर और बोल भी रहा कि अब होगा नहीं वैसे ये पंचर निकलेगा नहीं, अगर इसका छेद खुला होगा ना तब जाके अपना अब निकल जाएगा बाहर, अब ये नहीं पता भाई कब तक खुला होगा कब तक बाहर निकलेगा, ये सब बाद में देखा जाएगा। फिलहाल चलते हैं हम इसको करते हैं ड्रॉप और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर, देखते हैं आज का दिन निकाल दे तो बिना पंचर हुए ही। तो अपना ये वाला पहला ऑर्डर करते हैं ड्रॉप, छोटे छोटे दिखाते हैं पैसे भी तो हो गए भाई 2700 रुपये। नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया, यहाँ से मिल जाए तो ठीक ही है सुभाष नगर से, नहीं तो रजौरीगढ़ जाना पड़ेगा फिर से तो भाई फिलहाल एक और मेरे पास ऑर्डर आया था वो मैंने पिकअप कर लिया है, और उसमें भाई मुझे 50 रुपये टिप मिली है 106 रुपये का ऑर्डर था, 50 रुपये टिप मुझे मिल गई अलग से,
और उसको भाई अपने रोहनी लेके जाना सेक्टर 14। रोहनी से जब भी कोई ऑर्डर आता है ना तो भाई 50 रुपये टिप को मिलती ही मिलती है, या 50 से ज़्यादा भी मिल जाती है। तो यहाँ से कितने किलोमीटर है ज़रा देखूँ, ज़रा देखूँ भला देखूँ क्या, 27 मिनट लगेंगे। 10 किलोमीटर है भाई साहब, 10 किलोमीटर। समझ रहे हो क्या? समझोगे, मुझे समझना पड़ेगा। तो चलते हैं भाई, इसको भी करते हैं ड्रॉप चल के, और फिर देखते हैं क्या ही हालचाल होता है अपना। मेरे को लगता है यहाँ वाला रोहनी होगा यार, क्योंकि तो रोहनी भी तो बड़ा ही है, पता ही नहीं चलता कौन रोहनी कौन सा कहाँ पे जाना है। एक पश्चिम में आते रोहनी आता है, एक यहाँ से आ जाता है सीतमपुरा की साइड से रोहनी आ जाता है एक। तो चलते हैं फटाफट, इसको भी करते हैं ड्रॉप। शायद रोहनी की साइड घुमाएगा तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। करते हैं इसको भी डिलीवर चल के फटाफट से, और कुछ नहीं। तो भाई अपना ऑर्डर ये वाला है जो डिलीवर हो चुका है, दिखाता हूँ कितने मिले मुझे इसमें। दिखा दे, 118 रुपये जितन पे 146 का हुआ टोटल, जो भी है 164 रुपये। भाई क्या क्या बात है, 164 रुपये मिल गए भाई इसमें मेरे को। चलो नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया, बढ़िया है, मिल जाए यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो भाई अपने पास एक और ऑर्डर आ चुका भाई, 85 रुपये का ऑर्डर है भाई, इसको तो हम एक्सेप्ट करेंगे। सीतमपुरा से पिकअप करना है और लेकर फिर देखते कहाँ पर जाना है इसको, अगर दिखा दे तो ठीक ही है। प्रताप नगर लिखा है, बाकी पता नहीं किस साइड है। तो भाई चलते हैं भाई, इसको ही पिकअप करते हैं, मस्त ऑर्डर है, वैसे कोई इसमें आपत्ति नहीं है, ठीक ठीक ऑर्डर दे देता है भाई जोमेटो भी। सुबह भी कभी कभी ये काम नहीं करवाते, दिमाग फसल ख़राब कर देता है, इसलिए मजबूरी में ना बंदा पोटर वोटर करने भग जाता है। अगर ये ऐसे काम देता रहे ना भाई साहब, काम करने में मज़ा भी आ जाएगा बहुत। तो इसको चलता है भाई पिकअप करने, और ड्रॉप देखते हैं कहाँ पे करना है, ये तो खाली कुछ और ही दिखा रहा है, ड्रॉप बाद में दिखाएगा ये पिकअप करने के बाद। तो भाई ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया, वो ये ऑर्डर है, उसको लेके वैसे प्रताप नगर गुलाबी बाग जाना भाई, मुझे लगा घर के पास पहुँचा रहे तो घर से भी दूर कर देने। तो चलते भाई इसको भी डिलीवर करते हैं, घर के पास जाके क्या ही करना, बाइक वाले को ना वैसे भी ये अलग ही रूट देता रहता है वैसे। तो चलते भाई इसको भी करते हैं डिलीवर गुलाबी बाग में, कहाँ से रूट लेकर जाएगा ये वैसे, सीधा बता रहा है पर देखते हैं, मेरे को लगता नहीं कि इधर ही होगा। लग तो रही है यहाँ यही रूट है, कई बार मैप उल्टा घुमा देता ना इसलिए। तो चलते भाई इसको भी डिलीवर करते हैं, 9 किलोमीटर पड़ रहा है यहाँ से, 23 मिनट लगेगा। हाँ जाओ भैया, उनको जाने दो। तो चलते हैं फटाफट से, इसको भी करते हैं डिलीवर, और फिर देखते हैं वहाँ से कोई नेक्स्ट ऑर्डर अपना कब तक आता है और कहाँ का आता है वो देखा जाएगा बाद में, पहले इसको चले डिलीवर करने। तो भाई ऑर्डर कर दिया है, डिलीवर कर देते, कैश कलेक्ट कर लिए, कैश का तो मुझे चाहिए ही नहीं था यार, क्यों दे रहे हो। इसमें 85 का ऑर्डर, 11 रुपये रिटर्न पे, टोटल होता है 96 रुपये। चलो अच्छा है यार, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया मैंने, देखते अब मिलता है यहाँ से। तो नेक्स्ट ऑर्डर क्या पड़ेगा, करमपुरा पड़ रहा है। तो भाई ऑर्डर तो मैंने पिकअप कर लिया, वो ये है, और मैं यहीं खड़ा हुआ था कीर्ति नगर में, और यहीं से मुझे ऑर्डर मिल गया, मतलब देख रहे 0 किलोमीटर चल के गया, सामने से मैंने ऑर्डर ले लिया। अब इसको लेकर भाई पटेल नगर जाना है, तो चलते हैं फटाफट से इसको करते हैं ड्रॉप, और फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। तो भाई इसको भी डिलीवर करते, मैंने ना इसमें देखा नहीं था कि कितने रुपये मिलेंगे, मैंने बस उठा लिया था। तो देखते हैं कितने का ऑर्डर था ये, 37 का, चलो अच्छी बात है, मिला तो सही। चलो नेक्स्ट
कर दिया ऑर्डर, देखते अपना नेक्स्ट ऑर्डर पटेल नगर से मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। तो भाई मैंने अपना ऑर्डर कर लिया है, पिकअप वो ये है, और इसको ढूंढने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई यार, एकदम सिंपल ही है। तो उसको पिकअप कर लिया, स्कूल ही रहा, स्कूल के पास गाड़ी खड़ी करके गया था अंदर, करके अंदर गाड़ी जाती नहीं, बहुत तकलीफ के लिए। तो उसको ड्रॉप करना भाई नराना में, तो चलते हैं फटाफट से उसको करते हैं ड्रॉप, और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर। ये खड़ी अपनी गाड़ी, चलो भाई इसको भी करते हैं डिलीवर। बैंक के अंदर जाके देना था, दे दिया, लाख रुपया दे दे, कितने देगा, 40 रुपये दे दिए, अच्छी बात है, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया। तो भाई मेरे पास आ चुका एक और ऑर्डर, और वो भी बता इसी फ्लेवर में, मेरे पास ना ज़्यादातर ऑर्डर आ जाते हैं, जब भी मैं फ्लेवर में जाऊँगा ना चढ़कर, तभी मेरे को ऑर्डर मिलता है। और इस ऑर्डर में मुझे 2 किलोमीटर पिकअप करने जाना है और 3 किलोमीटर ड्रॉप, टोटल हुए 5 किलोमीटर। और पैसा दे रहा मुझे ये 40 रुपये, मतलब 5 किलोमीटर के 40 रुपये दे रहा है, सीधा सीधा 10 रुपये कट कर रहे हैं। देख रहे हो भैया, ये हाल चल रहा है जोमेटो का भी, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, क्योंकि मैं जिस साइड जा रहा हूँ ना उसी साइड का ऑर्डर भी है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं है यार, पिक कर लेंगे चल के और फिर ड्रॉप भी कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इसके बाद मुझे एक और भी लिस्ट बुक करनी है 4 से 6 वाली, जिसको मैं टिकट कर लूँगा, उसके बाद मैं लिस्ट बुक करूँगा। पहले चलते हैं फटाफट से इस ऑर्डर को करते हैं पिकअप। ऑर्डर जो है वो पिकअप कर लिया मैंने, और जो ऑर्डर है वो ये है, इसको लेकर विक्रमपुरा जाना है, तो चलते भाई इसको करते हैं फटाफट डिलीवर, और फिर देखते अपना कोई बेहतरीन सा ऑर्डर मिल जाए ठीक ठाक, देख लो ज़रा। हाँ करमपुरा में ही है, तो निकलते हैं फटाफट, इसको करते हैं ड्रॉप। उससे पहले भाई एक गिग्स बुक तो कर लूँ, पे आउट मेरा गिग्स कहाँ गई, मंडे ये रहा 4 से 6 वाला भी कर लिया मैंने बुक, तो हम निकलते हैं फटाफट इसको करने ड्रॉप। तो भाई ये भी हो गया हमारा डिलीवर, कैश कलेक्ट पता नहीं क्यों दे रहा भाई, इतना नहीं देना चाहिए इसको, मिल गया 40 रुपये, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया मैंने, अब देखते हैं मिल गए नेक्स्ट ऑर्डर यहाँ से। तो भाई अपने पास एक और ऑर्डर आ गया, ये रहा हल्दीराम, यहीं से मुझे पिकअप करना है, वैसे तो गाड़ी खड़ी में जगह ही नहीं है, उस साइड खड़ी करता हूँ चल के। तो भाई ऑर्डर मैंने ये है पिकअप कर लिया है, और इसको लेके भाई कीर्ति नगर पे जाना है हमें ड्रॉप करने, क्या नया दरवाज़ा लगा दिया यहाँ पे, तो चलते फटाफट से इसको करते हैं ड्रॉप, और फिर देखते अपना नेक्स्ट ऑर्डर। तो भाई ये वाला ऑर्डर भी करते हैं डिलीवर। जोमेटो में ये दिक्कत है कि यार बंदे का अगर फ़ोन भी ऑन होगा ना लगेगा नहीं। चलो 30 रुपया मिल गया, नेक्स्ट ऑर्डर कर दिया मैंने, देखते हैं कब तक आता है नेक्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट ऑर्डर की बात की थी मैंने, मुझे मिल गया 71 रुपये का भाई, मज़ा ही आ गया, ले लेंगे। ये भी मैंने देखा तो है, पर थोड़ा सा मैप की जरूरत पड़ेगी मेरे को, इसलिए मैप चला के चलते हैं फटाफट से, इसको पिकअप करते हैं चल के। बाकी बढ़िया ऑर्डर मिल गया मेरे को, इधर से पड़ेगा मेरे हिसाब से, यहीं से पड़ेगा, तो चलते फटाफट से ऑर्डर करते हैं पिकअप, और फिर चलते हैं इसको ड्रॉप करने फटाफट से। तो ये ऑर्डर करते हैं पिकअप, ये है ऑर्डर, और इसको लेकर जाना है माया इनक्लेव, यानी कि हरिनगर, तो चलो अच्छा यार हरिनगर तो निकले कम से कम, तो रखते हैं इसको, और कितने में लगने वाले देखो जरा, यहाँ से 5 तो बजने वाले हैं, 19 मिनट लगेंगे पहुँचने में ही, लाल बत्ती और दिमाग खाएगी तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो चलते हैं भाई इसको भी करते हैं ड्रॉप, और फिर देखते हैं हरिनगर से अगर मिल जाए कोई ऑर्डर शोर्डर तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि हरिनगर से मिलता ही नहीं है, फिर आना पड़ता है रजौरी की तरफ, लाख 5 मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बाकी देखा जाएगा
तो फिलहाल चलते हैं तो करने डिलीवर और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर। इसको भी कर दिया डिलीवर, कर देते हैं, देखते हैं 71 रुपये में से कितने मिलते हैं अपने को। दिखा दे ले भाई, 71 रुपये में सीधा कितने 3 रुपये कट करके 68 रुपये दिए भाई साहब। तो भाई जाना कहाँ से बाहर, एक तो इनका सब अलग अलग भी तो है कि बाहर कहाँ से निकलना है, एग्जिट वेग्जिट बताओ किधर है एग्जिट। अच्छा यहाँ से आउट, तो चलते हैं भाई बाहर को आउट होते हैं चल के, यहाँ से निकलने का आउट। सोसाइटी में ऐसे ही होता है कि जहाँ से आओगे वहाँ से जाने को नहीं मिलेगा, अलग ही रास्ते से बाहर जाना पड़ेगा सोसाइटी के। तो वही हाल चाल हमारा हुआ है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर कब तक आता है और कहाँ का आता है, देखते हैं। तो भाई अपने पास आ चुका है एक और ऑर्डर, जिसको है जेल रोड से उठाना है। पिकअप लंबा है, ड्रॉप भी लंबा है, बट पैसे कम हैं। पर कोई बात नहीं, चलते हैं पिकअप करके इसको करते हैं ड्रॉप। आखिर कब तक हम ऑर्डर को डिनाई करेंगे ब्रो, उठाना तो पड़ेगा ना। तो पहले ऑर्डर पिकअप करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई ड्रॉप कहाँ पे करना है, फिर देखेंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर। तो इसको भी पिकअप कर लिया, ये है ऑर्डर, और इसको ले भाई चंद्र विहार नांगलोई की तरफ भेज दिया। अबे कहाँ भेज दिया, लास्ट ऑर्डर देके जहाँ बचना चाहता हूँ वहीं भेज दिया इसने। चलो भाई ड्रॉप तो करना ही है, क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे पता नहीं क्यों दे देते हैं हमें ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ कैसे निकलेगा, क्या रास्ता है तो सही है। चलते हैं भाई इसको भी डिलीवर कर ही देते हैं यार, क्या करें अब, भेज दिया तो भेज दिया। चलते इसको भी ड्रॉप करते हैं गड्ढे में, आराम से गाड़ी निकालना चाहता हूँ, ये पता नहीं क्यों तेज निकलती है गड्ढे में। चलते फटाफट करता हूँ इसको ड्रॉप, अगर हो सका तो एक आधा और ऑर्डर हम मिल जाएगा तो वो भी कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे भी कैश कलेक्ट कर लिए हैं और लास्ट ऑर्डर करते हैं डिलीवर और फिर चलते हैं अपने घर, और बाकी घर जाके बताऊँगा सब कुछ। 54 रुपये का मिल गया, तो अब बाकी घर जाके बताऊंगा क्या अर्निंग रही है सब कुछ। तो मिलता हूँ आप सभी को मैं बस अपने घर में थोड़ी ही देर में, वेट एंड वॉच। तो मैं आ चुका हूँ फ़ोन के स्क्रीन में और आज की अर्निंग में दिखाता हूँ आप लोगों को कि कितनी हुई है। ठंड में जितनी कम हो रही वही ठीक है। तो इधर चलते हैं, नहीं नहीं इधर नहीं यार, कहाँ चले गए भूल जाता हूँ एक तो मैं, ये भी नहीं है भाई कहाँ गया। हाँ ये है, तो मतलब 6 घंटे मान कर चलो थोड़े से मिनट रह गया था, मैं पहले ऑफलाइन हो गया था। तो 9 ऑर्डर किए थे मैंने, ऑर्डर पे जो है वो 482 रुपये हैं और रिटर्न पे टोटल 29 रुपये मुझे मिले हैं और 50 रुपये कस्टमर टिप मुझे मिली है। और अगर मैं ट्रिप की बात करूँ तो पहले 27 रुपये की मिला था, उसके बाद इसमें मुझे 50 रुपये टिप मिला था, मतलब 164 रुपये टोटल हो गए थे। फिर 96 रुपये, फिर एक लंबा ऑर्डर पिकअप करना था उसको डिनाई कर दिया था, फिर 37, फिर 43, फिर 40, फिर 30, फिर 68। इसमें मुझे 71 रुपये का ऑर्डर था ये वाला, इसमें मुझे 3 रुपये कट कर लिए जोमेटो ने, तो 68 रुपये दिए लास्ट 54। तो ठंड हो जाती है 5 बजे के आसपास, तो इतनी देर में इतना ही अर्निंग होती है, ठीक ही है, कोई बेहतर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी अर्निंग थी वो मैंने आपको दिखा दी है, जो भी मेरी अर्निंग हुई थी 6 घंटे में मैंने आपको दिखा दी है। और अगर आपका कोई सवाल जब हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो
आज की जो वीडियो थे वो यहीं तक के लिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।